हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ये डकलिंग बनाने के लिए बताने जा रही हूँ। बेबी डक, ये आपके पेज नंबर 15 में बेबी डक का एक पिक्चर बना हुआ है। इसे आप लोगों को कलर करना है और ये डॉट बना हुआ है, ये सिर्फ डॉट को ज्वाइन करना है इसको। और जैसे लिखा हुआ है ज्वाइन द डॉट्स एंड देन कलर द पिक्चर ब्यूटीफुली, यानी कि इसमें जो नंबर दिया गया है सीरियल नंबर उसे आपको जोड़ना है और उसके बाद इसमें कलर बनाना है, कलर लगाना है। ये बेबी डक है यानी डकलिंग का फोटो है, इसमें आपको कलर फिलअप करना है। और इसी को मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रही हूँ कि आप किस तरीके से इसे कलर फिलअप करें। सबसे पहले हम लोग इसे डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। देखिए कि मैं यहाँ पे डॉट्स को ज्वाइन कर रही हूँ। जैसे नंबर वन, मैंने एक स्केच पेन लिया है, स्केच पेन के हेल्प से इसे इस तरीके से डॉट्स को सारा लाइन खींचते हुए मिलाऊंगी तो ये पिक्चर तैयार हो जाएगा अच्छे से। देखिए, सुंदर से सारे बच्चे इसे पहले डॉट्स को मिलाना है। जब तक डॉट्स नहीं मिलाएंगे मुझे पिक्चर समझ में नहीं आएगा, इसीलिए सबसे पहले मैंने इसे स्केच पेन से इस डॉट्स को मिला लिए। अब इसमें मुझे सुंदर सा कलर फिलअप करना है, क्योंकि ये बेबी डक है और ये किसी कोई भी बेबी होता तो बहुत प्यारा दिखता है, ये भी बहुत प्यारा दिख रहा है और इसमें सुंदर से कलर फिलअप करेंगे तो ये बहुत सुंदर दिखेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे वैक्स क्रियॉन्स कलर लिया है, जिसके पास पेंसिल कलर होगा पेंसिल कलर का यूज करेंगे, स्केच कलर नहीं यूज करेंगे। मैं यहाँ पे वैक्स क्रियॉन्स से इसे कलर कर रही हूँ। कलर करते समय ध्यान देंगे कि कलर लाइन के बाहर नहीं जाए। इसे हम जितने अच्छी तरीके से करेंगे वो उतना ही खूबसूरत दिखेगा। अब कलर गंदा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं स्केच कलर सब बच्चे को मना करती हूँ कि स्केच कलर करने से पिक्चर गंदा हो जाता है और देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए स्केच कलर का कोई बच्चा यूज नहीं करेंगे। पेंसिल कलर या वैक्स क्रियॉन्स कलर, वाइल पेस्टल भी नहीं यूज करेंगे। वाइल पेस्टल करने का दूसरा तरीका होता है, वाइल पेस्टल भी नहीं करेंगे यूज। बस इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कलर फिलअप किया है, कर रही हूँ। देखिए किस तरीके से आप लोग भी कलर इसे फिलअप करेंगे। कलर फिलअप करने के बाद देखेंगे जहां जहां होता है, कभी कभी कलर फिलअप कर रहे हैं और पूरे अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है तो जहां जहां व्हाइट दिख रहा है उसे अच्छे से कलर कर लेंगे। ये नहीं कि बस हो गया और छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना है। बस इस तरीके से सुंदर से इससे
और इसके बाद मैं इसके बीक में कलर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर का यूज किया है, ये डकलिंग है इसलिए ये सुंदर सा दिखेगा। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे रेड कलर से इसके विक में शेडिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग की रेड कलर से। और इसके लेग में भी इसी कलर को लगाएंगे। थोड़ा यहाँ भी मैं रेड कलर लगा देती हूँ, ये देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे भी शेडिंग कर दे रही हूँ। और इसके जो थोड़ा पंख जैसा निकला हुआ है उसमें भी मैं थोड़ा यहाँ पे शेडिंग कर रही हूँ हल्का। हल्का हल्का रेड कलर से नीचे से मैं थोड़ा शेडिंग कर दे रही हूँ ताकि ये देखने में अच्छा लगे। ज्यादा कलर नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा बस लगाएंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा शेडिंग करने के बाद ये डकलिंग बन जाएगा और आप लोग इसे बनाएंगे। इस तरह से आपका ये जो डकलिंग है, प्यारा सा बेबी डक, वो तैयार हो चुका है। और देखिए कि कितना सुंदर ये कलर लग रहा है और देखने में आप लोग को भी अच्छा लगे, आप कलर करने में भी अच्छा लगेगा। मैं जो शेडिंग बताई हूँ शेडिंग के साथ आप लोग करेंगे। ये आप लोगों का पेज नंबर 15 तैयार हो गया है। और पेज नंबर 14 में एक कैट है, कैट का पिक्चर है, इसमें ब्राउन कलर सिर्फ कलर फिलअप करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आप सारे बच्चों को कलर करने आता है इसलिए इसमें जैसा कलर दिया है वैसा कलर फिलअप करेंगे। ये आप लोग का होमवर्क है, इस तरीके से दोनों पेज कंप्लीट करेंगे, 14 एंड 15। दैट्स ऑल, थैंक यू।